જો સાથ મે હો થઈ પ્રીત ત્યો તો મોહી કો હો થઈ સુખ. યે ભજન કિસકે હૈ? ઉસ ભાવતી જી કે હૈ જિનકે અંદર સ્વયં અક્ષરતીત વિરાજમાન હોકર લીલા કર રહે હૈ. સિંગાર ભી એક ચોપાઈ આતી હૈ. નર નારી બૂઢા બાલક જિન ઇલમ લિયા મેરા બોઝ, તિન સાહેબ કર પૂછિયા અર્સ કા યહી કુછ. महामती जी के तन से परम धाम की वाणी अवतरित हो रही है. कहने वाले कौन है? स्वयं श्री राज जी. वाणी कहती है कि ये वचन महामती से प्रकट न हो. मैंने इन वचनों को नहीं कहा है, कहलवाया जा रहा है महामती जी के तन से. कहने वाला है स्वयं अक्षरातीत का वेद स्वरूप. इसलिए कहते हैं कहलाया हृदय बैठ साक्षात. लेकिन जिसकी आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान होकर परम धाम की इस वाणी को कह रहे हैं, उनको भी अपना ही स्वरूप बना लिया है. अब इस चौपाई में आता है कि जो जो साथ में होत है प्रीत त्यो तो मोही को होत है सुख. कह तो रहे हैं महामती जी, और इस किरंतन की शुरुआत होती है चलो चलो रे साथ अपन जाइए धाम. मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्मसृष्टि श्यामा जी साम. सबके लिए उद्बोधन है चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम. महामती जी सब सुंदर साथ का मार्गदर्शन कर रहे हैं. ये उस समय का घटनाक्रम है जब 1748 का समय बीत जाता है. श्री महामती जी बंगला गुम्मट जी के ऊपर की जो गुमटी है उसी में बैठकर ध्यान अवस्थित हो जाते हैं. किस लिए? कि सुंदर साथ भी अब चितवनी में लगे. सब कुछ वाणी में कह दिया. राज से लेकर क्यामत नमत तक की वाणी अवतरित हो गई. सागर सिंगार वर्णित हो गया. 25 पक्षों का वर्णन परिक्रमा में हो गया. लेकिन जो मार्गदर्शक होता है वह करके दिखाता है तो आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करती है. लेकिन यह संसार भी विचित्र है. योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो मार्गदर्शन किया संसार कुछ ही समय तक चला. बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, बुद्ध ने कहा प्राणियों की हिंसा न करो, मांस न खाओ. मैंने सिक्किम में देखा है बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा मांस खाते हैं. वे कहते हैं कि हम किसी जानवर को थोड़े मारते हैं, वो तो बाजार में मिल जाता है. उस बिना मारे हमें जो मांस मिल जाता है खाने में क्या पाप है? मैंने एक विचित्र बात और देखी. जो आगे बुद्धिस्ट लामा होते हैं वे मनाते रहते हैं कि किसी के घर किसी का देह त्याग हो जाए तो जाकर वहाँ डेरा डाल देते हैं. कहते हैं कि इतना ये लाओ, इतना ये लाओ. मांस भी मंगवाते हैं और उनका खान पान कई दिन तक चलता रहता है. मेरे कहने का से क्या, जिस भगवान बुद्ध ने संसार को कहा कि अधिक संग्रह न करो, मेरे द्वारा बताई हुई अष्टांगिक मार्ग पर अनुसरण करो, उसी बुद्ध के अनुयायी राह से भटक जाते हैं. सुंदर साथ को परम धाम के प्रेम के मार्ग पर ले चलना है. इसलिए महामती जी की आत्मा चितवनी करके सब सुंदर साथ को दर्शाना चाह रही है कि चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम. मूल वतन धनी बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम. अब हमें मूल मिलावे की तरफ चलना है और उसमें एक पड़ाव है. जैसे सुंदर साथ को परम धाम की वाणी मिली, श्री जी के तन से जब तक लीला हो रही है तब तक सुंदर साथ 11 वर्षों तक, कहीं 10 का वर्णन है कहीं 11 वर्ष, समझ लीजिए 11 वर्ष कहिए 10 वर्ष कहिए, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है. वाणी की चौपाई में कहा है करसी लीला बरस 10 तोड़ी होसी हास विलास कही अपार. जब विक्रम 1740 का प्रारंभ था, बीतेगा 39 सा दगेगा 40 सा. 39 बीत रहा था, 40 का प्रारंभ था और 1751 में अंतर्धान लीला होती है तो लगभग 11 वर्ष ही समझ लीजिए. ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन की लीला होती है और पन्ना जी में 11 वर्ष की लीला होती है, जागनी लीला ब्रह्मात्माओं की. उसमें प्रातः भी चर्चा होती है. प्रातः काल चितवनी होती है 6 से 9 बजे. पहले प्रहर से ही दिन का प्रारंभ चितवनी से होता है और उसके पश्चात 9 से 12 तक चर्चा होती है. संध्या समय होता है 4:30 बजे चितवनी कराई जाती है. इसमें
तीन से छः बजे के बीच में जो समय होता है 4:30 बजे का, 4:30 बजे सब सुंदर सा चितुनी में बैठ जाते हैं। मैं समझता हूँ 1.5 घंटा तो बैठते ही होंगे 6 बजे तक। उसके पश्चात श्री जी की आरती उतारी जाती है। उस आरती में काफ़ी देर लग जाता है, सुंदर साथ आते रहते हैं, दर्शन करते हैं। 9 से 12 बजे तक चर्चा का प्रारंभ होता है, 3 घंटा प्रातः 9 से 12 और रात्रि को 9 से 12, 6 घंटा प्रतिदिन चर्चा सुनाई जाती है। क्योंकि उस जमाने में आजकल की तरह इतने संसाधन नहीं थे। आजकल तो मोबाइल में आप सेव कर लेते हैं, कई कई वर्ष तक यूट्यूब के माध्यम से चर्चा सुनते रहते हैं। उस समय जो श्री जी के मुखारविंद से सुना, जिन्होंने हृदयंगम कर लिया, उनके मस्तिष्क में बैठ गई बात, नहीं तो एक बार जो निकल गया पुनः दोबारा सुनने का अवसर नहीं मिलता था। इन 11 वर्षों में दोनों समय चर्चा, दोनों समय चितवनी का जोर रहा, लेकिन श्री जी के अंतर्धान होते ही चितवनी किनारे हो गई और ज्ञान का महत्व विशेष बढ़ गया। ईश्वरी शिष्ट का राज हो जाता है। 1745 से लेकर 1775 तक 30 वर्षों तक जो लीला चलती है उसमें केवल ज्ञान की प्रधानता रही, और उसके पश्चात जो 70 साल का समय होता है आगे का, उसमें केवल कर्मकांड का जोर रहा। जीव सृष्टि का राज हो गया, उसने ज्ञान को भी किनारे कर दिया और केवल घंटी घड़ियाल सेवा पूजा में लग गई, आरती परिक्रमा में लग गई। चितवनी न दारत, वाणी का चिंतन न दारत। ब्रह्म सृष्टि ने वाणी के चिंतन और चितवनी दोनों को लिया, ईश्वरी सृष्टि ने केवल वाणी के चिंतन को लिया और कुछ उपासना बंदगी का मार्ग अपनाया, आंखें बंद कर लिया, मूल मिलावे का पाठ कर लिया, चर्चनी को दोहरा लिया और वाणी की चौपाइयों के पठन पाठन में लगे हुए हैं। यह ईश्वरी सृष्टि का मार्ग था। जीव सृष्टि ने सब कुछ छोड़ दिया। अब श्री जी चितवनी में तो लगे हैं, लेकिन सुंदर साथ को बार बार प्रबोधित कर रहे हैं। उस समय ये किरंतन सारे उतरते हैं, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, या अभी जो प्रकरण चल रहा है कि चलो चलो रे साथ अपन जाइए धाम, ये सभी उसी समय के प्रकरण उतरे हैं। अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जे सभी उस यार, खिन एक की विलम्ब न कीचियो, जाए घरो करे करा। ये कौन कह रहा है? महामती जी की आत्मा स्वयं चितवनी में डूब रही है और सब सुंदर साथ को डुबो रही है। महामती जी को चितवनी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य तो उनके धाम हृदय में बैठे, उनको परम धाम का मार्ग दिखा रहे हैं। लेकिन यदि वे न करेंगे तो सुंदर साथ यही पकड़ लेता है कि जब श्री जी चितवनी नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। संसार को क्या चाहिए? शॉर्टकट रास्ता चाहिए। देखिए, सरकार से तम्बाकू का मंजन करते थे तो नजदीक रहने वालों ने यह सोच लिया कि हम भी तम्बाकू का मंजन करें। सरकार से कहा करते थे कि सतगुरु जो कहते हैं वह करना चाहिए, जो वो करते हैं उसकी नकल नहीं उतारनी चाहिए। इसी प्रकार परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की देखा देखी कितने लोगों ने गांजा पीना शुरू कर दिया, लेकिन परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी पूरी पूरी रात बैठकर जो चितवनी करते हैं वो किसी ने नहीं देखा। सरकार श्री का स्वभाव थोड़ा कभी कभी गुस्सा आ जाता था तो लोगों ने सुंदर साथ ने ही ढाल बना लिया, देखो सरकार से भी तो गुस्सा करते थे, हमें भी अधिकार है। तो सरकार से जो प्रेम करते हैं वो किसी को नहीं दिखाई दिया, सरकार से का गुस्सा सबने पकड़ लिया। इसलिए श्री जी के तन से लीला हो रही है, श्री जी के स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत विराजमानों का लीला कर रहे हैं। तभी तो वाणी में कहा है, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुदर्श की जो अर्श में हो। जैसे आप मूल मिलावे में आवेश स्वरूप से बैठे हो, नूरी स्वरूप से बैठे हो, उसी तरह से महामती जी के धाम हृदय में आप आवेश स्वरूप से विराजमान होकर परम धाम की आत्माओं को जगा रहे। जो अक्षरातीत मूल मिलावे में नूरी स्वरूप से है, इस जागनी के ब्रह्मांड में महामती जी के धाम हृदय में आवेश स्वरूप से है, लेकिन उसका तन भी और तनों जैसा ही है। ए माया अमल उतारे श्री महावत, मेरा टोने ही को आकार। तो उस शरीर में जो कुछ स्वाभाविक है
इस संसार में जो माया का तन होता है वो परम धाम की तरफ पूर्ण नहीं होता, कुछ न कुछ स्वभाव में कमी रह सकती है। तो वाणी में एक चौपाई आती है, कई अवगुण लेवे धनी का करे आप भी अवगुण। ये संसार है, इस संसार ने जब सतगुरु धनी से देवचंद जी को नहीं छोड़ा, श्री प्राणनाथ जी को नहीं छोड़ा, तो किसी को क्यों छोड़ेगा। जो 5000 की जमात है उसमें ऐसे भी सुंदर साथ हैं जो पीठ पीछे कुछ न कुछ कानाफूसी करते रहते हैं। तभी तो एक किरंतन भी उतरा था, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर बानी सुनाई तुमको किए जो खल खुला। ऐसे सुंदर साथ को चितवनी की राह पर ले चलना है, क्योंकि चितवनी क्या है, देखिए मनुष्य के व्यक्तित्व किससे बनता है, मनुष्य अपने संकल्पों से ही बनता है। आप क्या सोचते हैं, क्या कार्य करते, जैसा सोचेंगे वैसे ही कार्य करेंगे, और जैसा कार्य करेंगे वैसे ही आप बनेंगे। आप यदि चितवनी करते हैं, चितवनी का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है चितवनी करने वाले बहुत आपराधिक कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चितवनी सही तरीके से नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ यदि अंगुलमाल जैसा पापी जो 999 व्यक्तियों की हत्या करके उनकी अंगुलियों की माला बना करके पहनता हो, जिसमें दया धर्म न हो, वो भी बुद्ध के चरणों में आता है तो भिक्षुक बन जाता है, जनता उस पर पत्थर मारती है, डंडे मारती है, खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन कभी उफ नहीं करता। यदि रत्नाकर डाको महर्षि वाल्मीकि बन सकता है तप के द्वारा, तो राज्य की चितवनी जो सच्चे हृदय से करेगा निश्चित है कि उसके अंदर परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसमें किसको देखना है, राज्य की शोभा को देखना है। क्या मांगना है कि राज्य मेरे हृदय में बस जाइए, हाँ बस अहंकार ना लीजिए, आपके अंदर विकार हो सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सता सकते हैं आपको। चितवनी करने के पश्चात आप शुद्ध हृदय से राज्य से केवल प्रार्थना लगा दिया कीजिए कि राज्य मेरे क्रोध को दूर कीजिए, मेरे लोभ को, मेरे विकार को दूर कीजिए, अपने चरणों की छत्रछाया में रखिए। देखिए आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, देखिए अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। आप शुद्ध हृदय से जो भी कहेंगे राजी अवश्य पूरा करेंगे। इसलिए इस प्रकरण में सुंदर साध को एक मार्गदर्शन दिया गया है। पहली बात क्या है कि जो जो प्रीत होत है साथ में, जो जो साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। सुंदर साथ की पहली शर्त रख दी कि सुंदर साथ में प्रीत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सुंदर साथ दो रिश्तों से बता होता है, एक आत्मिक रिश्ते से, एक संसार के रिश्ते से। जो संसार के रिश्ते होते हैं वो मोह के बंधन होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर में लड़ाई शुरू कर दीजिए, पिता को पुत्र से लगा होता है, भाई को भाई से लगा होता है, भाई बन में लगा होता है, माता बेटे में लगा होता है, वो संसार जनित लगाव है। लेकिन एक आत्मिक संबंध, कोई कहीं से आया है, कोई नेपाल से है, कोई बंगाल से है, कोई असम से है, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, कोई परिचय नहीं है। लेकिन सुंदर साथ के संबंध से एक डोर में बंधे हैं कि हम परम धाम से आए हैं, हमें आपस में प्रीत पूर्वक रहना है। तो यह जो प्रेम है आपको परम धाम की तरफ ले जाएगा। लेकिन प्रेम जो होता है सबके कल्याण के लिए होता है। आमतौर से सुंदर साथ में क्या होता है कि गुटबंदियां बन जाती हैं, चार लोगों में खूब घनिष्ठता होती है, वे दूसरों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। प्रेम क्या होता है, सबके लिए कल्याणकारी होता है, प्रेम निर्विकार होता है। एक चौपाई आती है श्रृंगार में, हक जात वहदत जो सो छोड़े ना एको दम, प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यार कसम। हक जात वहदत जो छोड़े ना एको दम, हक जात कौन है, श्यामा जी और परम धाम की आत्मा है, अर्थात सुंदर साथ। सुंदर साथ परम धाम के वहदत के संबंध को, एकत्व के संबंध को कभी भी छोड़ते नहीं है। प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यार कसम, राज्य का प्रेम पाने के लिए आपस में प्रेम करते हैं। प्यार करे माहो माहे आप वास्ते, प्यार करे माहो माहे
आपस में प्रेम करते हैं। वास्तविक प्यार का सम राजी का प्रेम तभी मिलेगा जब सुंदर साथ आपस में प्रेम कर लेगा, लेकिन वह प्रेम जो सबके लिए हो। सुंदर साथ कभी परिवार के रिश्ते से जुड़ जाता है, कभी किसी से गहरी दोस्ती है उससे जुड़ जाता है, और चार पांच का गुट बन जाता है। वो आपस में तो खूब हंसेंगे बोलेंगे, लेकिन दूसरे साथ को सुंदर साथ को भुला देता है। सुंदर साथ का प्रेम का तात्पर्य जिसमें अमीर और गरीब का भेद ना रह जाए, काले गोरे का भेद ना रह जाए, छोटे बड़े का भेद ना रह जाए। सुंदर साथ है तो मात्र सुंदर साथ है, चाहे असम का हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, चार पंजाबी सुंदर साथ रहेंगे तो उनकी तुसी तुसी शुरू हो जाएगी, चार गुजराती इकट्ठे हो जाएंगे तो कहेंगे कि तुम हमारे क्षेत्र का हो, सारू छे उनका शुरू हो जाएगा, बंगाल वालों का अपना शुरू हो जाएगा। क्षेत्र देखते हैं सब, बिरादरी देखते हैं, कुल खानदान देखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मोह। मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। मोह किससे होता है, संसार के रिश्ते से होता है। मोह क्यों होता है, माया के बंधनों के कारण होता है। हमारे कुल खानदान का है, हमारे नज़दीकी का है, हमारे गांव का है। आत्मा के संबंध में सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, न क्षेत्र का संबंध है, न जाति का संबंध है, न प्रांत का संबंध है, न धन का संबंध है, न रूप रंग का संबंध है। एक बहुत सुंदर व्यक्ति सुंदर से ही बात करना चाहेगा, एक अरबपति व्यक्ति झोपड़ी में रहने वाले से क्यों दोस्ती करेगा। तो यदि अरबपति अरबपति से घनिष्ठता रखता है तो इसको कहते हैं मोह। एक विद्वान की भी घनिष्ठता एक मूर्ख व्यक्ति के साथ हो सकती है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। एक वृद्ध शिष्य था उनका, जो उसको काफी दस्त की बीमारी लग गई थी। वृद्ध था, उसको कोई भी भिक्षुक पूछता नहीं था। पता चला कि वो उसके मल मूत्र से शरीर में उसके मल मूत्र लिपटा पड़ा था, कपड़े गंदे हो गए थे, इतना वृद्ध था कि उठ नहीं सकता था। जो भी भिक्षुक आता दूर से किनारे किनारे होकर चला जाता। बुद्ध की नजर पड़ गई, आनंद को कहा कि आनंद पानी लेकर चलो, और भगवान बुद्ध ने उस बूढ़े अपने शिष्य को अपने हाथों से उसका मल मूत्र धोया। आप सोचिए, जब इतना बड़ा सदगुरु गुरु अपने शिष्य के मल मूत्र को धो रहा है तो सभी भिक्षुकों की आंखें खुल गई कि हम क्या कर रहे थे, हम तो घृणा से इसको दुत्कार रहे थे कि पड़ा रहता है गंदगी, अपनी सफाई नहीं करता। तो जो महान होता है वो क्या करता है, वो सबके अंदर एक चेतना को देखता है। प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम का अर्थ सबसे प्रेम, अपने चुनिंदा लोगों से नहीं। जहां चुनिंदा लोगों से आप घनिष्ठता दिखाएंगे, दूसरों को घृणा के दृष्टि देखेंगे, वहां गुटबंदी पैदा होती है। जहां आप सबके कल्याण के लिए देखें, एक महापुरुष में सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है, महापुरुष सारे संसार के कल्याण की बात सोचेगा, सामान्य व्यक्ति केवल परिवार के बारे में सोचेगा कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, मेरा परिवार ऐसा रहे, पड़ोसी के घर भूख से कोई तड़प रहा कोई चिंता नहीं, मेरे बच्चे खुशहाल रहे। महाभारत के युद्ध में देखिए, कृष्ण सबका शुभ चिंतन करते हैं, भीष्म पितामह को चिंता है केवल हस्तिनापुर की, द्रोणाचार्य को चिंता है केवल अपने बेटे की कि मेरा बेटा जिधर रहेगा मैं उधर रहूंगा, कृपाचार्य सोचता है कि मेरे जीजा जी द्रोणाचार्य जिधर रहेंगे मैं उधर रहूंगा। तो कृपाचारी हो द्रोणाचारी हो, ये सभी मोह के बंधन में है। कृष्ण विशुद्ध प्रेम के उपासक हैं। सगा ये बुआ का लड़का है शिषपाल, उसको मारने में देर नहीं की, ये नहीं देखा कि मेरा बुआ का लड़का है, क्षमा कर दिया। और दुर्योधन का मेवा मिष्ठान ठुकरा दिया, विदुर के घर गए भोजन करने के लिए। कृष्ण की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है, उन्होंने आत्मतत्व को देखा। योगेश्वर श्री कृष्ण की यह लीला है, राम को देखिए, सबरी के जूठे बेर खाते हैं, केवट को गले लगाते हैं, केवट को मित्र बनाया। आजकल केवट जो मल्लाह जाति होती है उसको दलित में माना जाता है, भगवान राम ने एक दलित को अपना परम प्रिय सखा मनाया। जब राम का राज तिलक हुआ तो केवट आया था,
अब राम के लिए वो केवट एक दलित व्यक्ति नहीं है, एक दलित शब्द ही शब्दकोश से हटा देना चाहिए। गीता क्या कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मे गृहस्थी ने सुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित किसको कहते हैं, जिसको ब्राह्मण में और चंडाल में भेद ना हो, जिस दृष्टि से ब्राह्मण को देखता है उसी दृष्टि से चंडाल को भी देखे कि दोनों में एक ही चेतना है। कुत्ता बहुत अपवित्र जानवर है और गाय बहुत पवित्र जानवर है, लेकिन दोनों में एक चेतना को जो देख रहा है वो पंडित कहलाता है। प्रेम का धरातल क्या कहता है, जो भी महापुरुष होगा परमहंस होगा उसकी दृष्टि में करोड़पति में और कंगाल में कोई भेद नहीं रह जाएगा, काले गोरे में भेद नहीं रहेगा, छोटे बड़े का किसी तरह का भेदभाव नहीं रह जाएगा। उसी तरह से जो परम धाम की वैद्यत है उस वैद्यत में एकत्व में सभी सुंदर सात राज्य के अंग हैं और सुंदर सात में सुंदर सात के नाम पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि आप इस मार्ग पर चलते हैं तो क्या होगा, आपके अंदर प्रेम हो जाएगा। इसी को कहें हक जात वैद्यत जो सो छोड़े ना एकोदम, प्यार करें माहो माए वास्ते प्यार कसम। यहाँ ही राजी वही बात कह रहे हैं, जो जो साथ में होत है प्रीत त्यो तो मोही को होत है सुख। महामती जी कह रहे हैं कि यदि सभी सुंदर साथ आपस में प्रेम करता है तो मुझे सुख होता है। आगे क्या कह रहे हैं, जो जो ब्रोध करत है साथ में अंत वाही को है जो दुख। दोनों बातें कही, यदि सुंदर साथ आपस में विरोध करता है तो उसको दुख होगा, जो प्रेम के मार्ग पर चलेगा वो सुखी होगा, जो विरोध का मार्ग अपनाएगा वो दुखी होगा। क्यों, जीवन में कैसे जीना चाहिए, इसी प्रकरण में एक चुपाई आती है, अब छल में कैसे कर रहिए छोड़ दे वो सब झूठ हराम। ये सारा संसार छल का है, छल भरी इस दुनिया में कैसे रहना है, छोड़ दे वो सब झूठ हराम। जो भी झूठ है पाप का मार्ग है सबको छोड़ दीजिए और कैसे जीवन जिए, सूरत धनी सो बांध के चलिए ले विरह रस प्रेम का। अपनी सुरता को किससे जोड़िए, राज्य के साथ। जीव हृदय में क्या लीजिए, विरह का रस लीजिए, प्रेम लीजिए, ले विरह रस प्रेम काम, प्रेम की चाहत हो आपके हृदय में, राज्य का विरह मिले राज्य का प्रेम मिले। अपनी सुरता को किससे जोड़िए, केवल राज्य से जोड़िए और सबसे प्रेम कीजिए। अब आपके मन में ये बात घर कर जाएगी। कई महात्मा कहते हैं कि हमने घर द्वार छोड़ा, हमें क्या लेना देना किसी से, कोई मरे जिए हमें ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसका परिणाम क्या होता है, उनके हृदय में शुष्कता आ जाती है। शुष्कता आ जाती है तो हृदय प्रेम का अधिकारी नहीं बनता, वो राज्य के भी प्रेम का अधिकारी नहीं बन पाता। तो आप कहेंगे कि ये तो मोह का बंधन हो जाएगा। मोह का बंधन तब होगा जब आप मोह का बंधन पालेंगे, जब आप में आसक्ति रहेगी, कोई स्वार्थ रहेगा तो मोह का बंधन बन जाएगा। जो पवित्र प्रेम होता है उसमें मोह का आवरण चढ़ ही नहीं सकता। जैसे आप किसी की सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं तो मोह का बंधन है, किसी के धन से प्रभावित होकर के आप घनिष्ठता करते हैं तो भी मोह का बंधन है, किसी के बड़े पद के कारण कि बहुत समाज में ऊंचे बड़े पद पर बैठे हैं इससे आप घनिष्ठता करते हैं तो वो भी मोह का बंधन है। लेकिन आप किसी के आत्म तत्व को देखकर कि इसके अंदर परम धाम की आत्मा है उससे आत्मिक धरातल पर प्रेम करेंगे तो मोह का बंधन नहीं बनेगा। प्रेम और मोह में 36 का आंकड़ा है। जैसे देखेंगे किसी घर में मातम हो जाता है, पड़ोस वाले क्या करते हैं, आएंगे औपचारिकता दिखाने के लिए थोड़ी देर बैठ जाएंगे कि बहुत दुख की बात है आपके घर ऐसा हो गया, और घर में घुसकर फिर टीवी ऑन कर देंगे, धीमी आवाज़ में टीवी भी देखते रहेंगे, अच्छे अच्छे व्यंजन भी बना करके खाएंगे। तो वो क्या है, केवल औपचारिकता, अंदर प्रेम नहीं है। लेकिन यदि आप दूसरों के दुख से दुखी होना सीख गए, दूसरों के सुख में सुखी होना सीख गए तो क्या होगा, आप सारी मानव जाति को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जिसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है वो सभी प्राणियों के अंदर एक आत्म तत्व को देखता है। इसी को वेद में कहा है,
तत्र कह मोह कह सुख यू एकत्वम अनुपस्थित। जो सब में एकत्व को देखता है, एक चेतना को देखता है, वो मोह और शोक से रहित हो जाता है। मोह और शोक किसको होता है? मैं आपको महाभारत का एक घटना क्रम सुनाता हूँ। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बहुत ही कटु शब्दों में संबोधित किया कि आचार्य, आप पक्षपात कर रहे हैं, आप पांडवों पर हिंसक प्रहार नहीं कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। शिष्य यदि फटकार लगाए गुरु को तो बहुत अशोभनीय बात है, लेकिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य की फटकार खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोह किससे है? अपने बेटे से। उनका बेटा अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है, वो दुर्योधन को छोड़ना नहीं चाहता। अपने पुत्र के मुंह में द्रोणाचार्य सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है, बार बार अपमान सहन करते हैं। और दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र कुछ दिन उठा लिया था और सोचा कि सारी पांडव सेना को मैं समाप्त कर दूं। विराट को मारा, द्रुपद को मारा, कितने बड़े बड़े राजकुमारों का वध कर डाला, कितने महारथी उस दिन द्रोणाचार्य के बाणों से यमलोक को चले गए। ऐसा लग रहा था कि आज ही सारी पांडव सेना समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब श्री कृष्ण के निर्देशन पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मरण नरो व कुंजन कह दिया और भीम ने झूठी बात कह दी कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला क्योंकि मारा था हाथी, और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट लिया। तो इस घटना से पहले जब द्रोणाचार्य को पता चला कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा नहीं है और युधिष्ठिर ने भी साक्षी दे दे, तो द्रोणाचार्य सोचते कि मैं जी कर क्या करूँगा। तो आपको अपने बेटे की झूठी मृत्यु की भी सूचना सहन नहीं है और आपने न जाने कितनों को उस दिन पुत्रविहीन कर दिया, कितनों को मार डाला। तो दूसरे जब मर रहे हैं तो उनकी पीड़ा का आभास नहीं, इसको क्या कहते हैं? मोह का घन रूप। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम होगा वो क्या सोचेगा? सबके कल्याण की बात सोचेगा, सबके सुख में ही अपना सुख मानेगा। देवत्व और असुरत्व क्या है? असुरत्व किसको कहते हैं? केवल अपने बारे में जो सोचता है वो असुरी प्रवृत्ति है। जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है वो क्या है? देवत्व कहलाता है। राजा रंतिदेव, पौराणिक कथा है, एक बार भयंकर अकाल पड़ा। राजा रंतिदेव चक्रवर्ती सम्राट हैं, प्रजा को खिलाने के लिए अपना सारा खजाना खाली कर देते हैं। एक दिन उनको भी 27 दिनों के बाद भोजन मिलता है। जैसे भी भोजन करने बैठते हैं कोई एक भिक्षुक आ जाता है, चला नहीं जा रहा है। राजा रंतिदेव ने अपना भोजन उसको दे दिया। एक बोलचाल में कहावत कही जाती है कि चोरों में बहुत घनिष्ठता होती है, डकैतों में बहुत घनिष्ठता होती है और साधु महात्मा लड़ते रहते हैं। यह बात सही नहीं है। चोरों में डकैतों में जो घनिष्ठता दिखाई देती है स्वार्थ के कारण है, कुछ समय के लिए घनिष्ठता दिखाई देती है। तामसी व्यक्ति जो आतंकवादी होते हैं कुछ समय के लिए घनिष्ठ दिखते हैं लेकिन वास्तव में घनिष्ठता उनमें नहीं होती है, समय आने पर दूसरे दूसरे को मार डालते हैं। लेकिन कोई ऋषि ऋषि की हत्या नहीं करेगा, संत संत की हत्या नहीं करेगा, संत संत का बुरा नहीं सोचेगा। हो सकता है मतभेद हो सकते हैं, विरोध हो सकता है, लेकिन कोई अनिष्ट चिंतन नहीं करेगा। लेकिन हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति दूसरे की हिंसा करने में जरा भी झिझक नहीं करता। यही कारण है कि इस्लाम का इतिहास क्या है? अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली चारों की हत्या ही की गई है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई। और इनके मरने के बाद मुआविया ने क्या किया? आप करबला के मैदान में जानते हैं हुसैन के के साथ जो लोग थे किस तरह से उनकी भयानक मौत दी गई करबला के मैदान में। दृश्य हृदय वहाँ का जो दृश्य था युद्ध का, हृदय विदारक था। कहने का से क्या है, छोटे से बच्चे को भी नहीं बख्शा जो मात्र कुछ माह का था। उस बच्चे की भी हत्या करने में विरोधियों ने कोई मानवता नहीं दिखाई। परिणाम क्या है? भारतवर्ष में के इतिहास में ये बात देखने को मिलती है
कि किसी हिंदू राजा ने हिंदू राजा के ऊपर जब आक्रमण किया है तो उसके बच्चों को कभी कुछ नहीं किया, उसकी स्त्रियों को कभी कुछ अपमानित नहीं होने दिया है, सम्मान पूर्वक रखा है। मेरे कहने का ऐसे क्या है, यदि आप सबके प्रति कल्याण की भावना सोचेंगे तो वह भावना आपको राज्य की तरफ ले जाएगी। जो ये चौपाई कही गई है, जो जो साथ में होत है प्रीत त्यों तो मोही को होत है सुख। यदि आप निष्काम भावना से सब सुंदर साथ का भला सोचिए, आप भेदभाव ना कीजिए, प्रांत के आधार पर भेदभाव ना कीजिए, कोई यूपी का रहने वाला है, कोई बंगाल का रहने वाला है, कोई नेपाल का रहने वाला है, भूल जाइए। आप सुंदर साथ के रूप में मात्र सुंदर साथ है, न गुजराती है, न पंजाबी है, न नेपाली है, न बिहारी है, न आसामी है, आप केवल सुंदर साथ है। धन के आधार पर भी किसी तरह का भेदभाव ना रखिए और सबकी सेवा में लगिए, सबसे प्रेम का व्यवहार कीजिए। इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है जो राज्य ने कहा है कि जो जो गरीबी लीजिए साथ में त्यों तो धनी को पाइए मान। ये बहुत बड़ी चीज है, धनवान हो गए लेकिन सबकी चरण धूली बनकर रह रहे हैं तो आप महान हैं। धन तो बहुतों के पास है संसार में, अभी दाऊद में देखिए एक से एक करोड़पति लोग पड़े होंगे लेकिन उनका धन किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि मानवता के कल्याण के लिए नहीं आ सकता। लेकिन धनवान होते हुए भी विनम्र होना, सौंदर्यवान होते हुए भी विनम्र होना, विद्वान होते हुए भी विनम्र हो जाना, ये महानता का लक्षण है। मनुष्य धन आने पर, पद प्रतिष्ठा मिलने पर, विद्वता आने पर अहंकार करने लगता है कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, लेकिन जो जितना विनम्र होता है समझिए कि वही उसकी महानता की निशानी है। जो सच्चा विद्वान होता है उसको अपनी विद्वता का कभी अहंकार नहीं होता, वो सोचता है कि ज्ञान के सागर में एक बूंद मात्र हूँ, क्योंकि ज्ञान का सागर तो केवल परब्रह्म है। जो सच्चा धनवान होता है वह उस धन का अंग नहीं करता, वो जानता है कि संसार में एक से एक धनवान है। आप संसार में जितने भी महापुरुष होंगे उनके पास धन भी होगा, विद्वता भी होगी, रूप भी होगा, लेकिन उन्हें अहंकार नहीं होगा। इसी को राजी ने कहा है कि यदि सुंदर साथ में विवाद होता है तो उसका कारण क्या है, अहंकार। सब लड़े माया मोह अहंकार। परिवार में झगड़े क्यों होते हैं, पति पत्नी में पहले तो गृह जीवन में बदते हैं, विवाह होता है, सहनाई बजती हैं, पड़ोस अड़ोस के लोग बराती बनकर के जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है, साल भर दो साल बीतने के बाद पति पत्नी में मनमुटाव होने लगता है। पत्नी पति का दोष निकालेगी और पति पत्नी का दोष निकालेगा, क्योंकि दोनों का अंग टकरा रहा है। बेर और केले की तरह यदि एक का विचार दूसरे से नहीं मिलता तो टकराव हो जाता है, लेकिन यदि दोनों ही विनम्र हों, दोनों एक दूसरे की अच्छाई को देखें, तो क्या कहा है राजी ने, और गुड़ काढ़े गुड़ ग्रहे हरे से हो जीत। दूसरे के अंदर कौन सी अच्छाई है इसको ग्रहण करना है, दूसरे के अंदर क्या बुराई है उसको हम छोड़ दें तो हम क्या होगा, सही मार्ग पर चलने वाले हो जाएंगे। विरोध कहाँ से शुरू होता है, उसकी अच्छाई को तो हम दबा देते हैं और बुराई को ढोल पीट करके बताते हैं, तो वह भी ऐसा ही करेगा। सब एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, सब एक दूसरे को छोटा समझने लगते हैं, यहाँ अहंकार टकराता है, आपस में कड़वाहट पैदा होती है। श्री जी के साथ 5000 की जमात है और सब सुंदर साथ को परम धाम के रास्ते पर ले चलना है तो एक सीधा साधा मंत्र दे रहे हैं कि जो जो साथ में होत है प्रीत त्यों तो मोहि को होत है सुख। यदि मुझे कोई सुखी रखना चाहता है तो सब सुंदर साथ आपस में परम धाम के संबंध से प्रेम करें, वैदत के संबंध से, जाति के नाम पर नहीं, प्रांत के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, या धन या पद के नाम पर नहीं, सुंदर साथ है तो सुंदर साथ है। इसलिए आप संसार के जिस भी महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़िए, उसने आत्मवत सबको देखा है, आत्मकल्याण की भावना से देखा है, आत्मिक संबंध से जो प्रेम किया जाता है वह निर्विकार होता है और मोह के बंधन में नहीं बंधने देता। अन्यथा हिमालय की गुफा में भी बैठा हुआ योगी यदि आत्मिक संबंध से
किसी से प्रेम न कर लौकिक संबंध के नाते आसक्ति रखता है तो यह आसक्ति उसको खाई में धकेल सकती है। एक सच्ची घटना है। एक हिमाचल में के पहाड़ों पर एक महात्मा जी रहते थे, नग्न केवल लंगोटी पहनकर रहते थे बर्फ में। आप सोचिए, बर्फ में रहने वाले महात्मा जो उसी पर रहा करते थे, घंटों समाधि लगाया करते थे। एक बार हिमाचल प्रदेश में भ्रमण करने निकले, एक लड़की 17-18 साल की थी, उनकी बहुत सेवा करने लगी, बहुत भाव हो गया, उनकी आसक्ति हो गई और धीरे धीरे वो दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। अब प्रश्न यह है कि क्या कठोर होना चाहिए? कठोर होना उसका समाधान नहीं है। कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति मोह में न फंसे, ऐसा संभव नहीं है। प्रेम अलग है, मोह अलग है। जो कठोर हृदय का कोई सन्यासी होगा तो क्या होगा, ध्यान में प्रगति नहीं कर सकता। ध्यान में प्रगति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोमिन दिल कोमल कया तो अर्श पाया किताब। ब्रह्मात्मा का हृदय फूल की पंखुड़ी से कोमल होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि वो महात्मा जी तो उस लड़की के जाल में फंस गए, उन्होंने उस लड़की के सौंदर्य से लगाव रखा, उसकी चेतना से प्रेम नहीं किया। वह प्रेम कहाँ था? शरीर के धरातल पर था। वह आसक्ति का बंधन बन गया। लेकिन हर प्राणी से, चाहे वो काला कलूटा क्यों ना हो, कोड़ी क्यों ना हो, मैंने आपको बताया भगवान बुद्ध मलमूत्र से भरे हुए अपने शिष्य को अपने हाथों से उसके कपड़े धोना, उसके शरीर को धोना क्या दर्शाता है? कि उन्होंने उसके मलमूत्र को नहीं देखा, उसकी चेतना को देखा। उसी तरह से जिस दिन आपको संसार के अंदर हर प्राणी में चेतना दिखाई देगी, सभी दुखी प्राणियों के कल्याण के लिए आप आत्मीयता रखेंगे, तो आपका हृदय इतना कोमल हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा और इतना निर्विकार हो जाएगा कि वह अनायास ही राज्य के प्रेम मार्ग पर चलने लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामान्यतः यही देखा जाता है कि हर व्यक्ति किसी से जुड़ा होता है तो या तो क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, विद्वता के नाम पर, रूप के नाम पर या पद प्रतिष्ठा के नाम पर ही उससे घनिष्ठता रखता है। सामान्य किसी लूले लंगड़े से, किसी कोढ़ी से कोई दया नहीं दिखाता। आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। हम सुंदर साथ कुछ संकुचित विचारों में भ्रमण कर रहे होते हैं। ऋषि दयानंद के जीवन की घटना है। वे नर्मदा के किनारे भ्रमण पर थे संन्यास जीवन में। देखते हैं कि एक ब्राह्मण बालक को गांव के लोग विदा कर रहे हैं, उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही है। दयानंद पूछते हैं कि क्या मामला है। पता चलता है कि ये आज उसको बलि दी जानी है। वो बूढ़ी माँ रो रो कर कह रही थी कि मेरा एक ही पुत्र है और इसको आज बलि चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उस समय बलि चढ़ाने की परंपरा थी। जो भैरव की मूर्ति के आगे उस गांव के प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी। दयानंद ने सोचा कि यह माँ तो बहुत दुखी हो जाएगी, क्यों न मैं ही उत्सर्ग कर दूं। वो गए और जो मंदिर के पुजारी से कहे कि देखो मुझे बलि चढ़ा दो, मैं भी ब्राह्मण का पुत्र हूँ, इनको छोड़ दो क्योंकि इसकी माँ रो रही है। उस लड़के से उनका कोई परिचय नहीं, उस माँ से कोई परिचय नहीं, लेकिन उनको रोता हुआ देखे नहीं और राजी हो गया कि कोई बात नहीं, चलो हमें तो बलि चढ़ानी ही है, इस लड़के को छोड़ देते हैं, आप आग्रह कर रहे हो तो क्या, आप ही को चढ़ा देते हैं। दयानंद अपनी आँखें बंद करके अपना सिर रख देते हैं जहाँ गर्दन को काटा जाना था। इतने में वहाँ मराठों के सैनिक आ गए और उन्होंने गोलियां दागी, क्योंकि राजा की तरफ से मराठे इस बलि प्रथा को बंद करवाना चाहते थे। उनकी सेना खोजती रहती थी, कोई छिपकर बलि तो नहीं चढ़ा रहा है। और परिणाम क्या हुआ? गोलियों की आवाज़ सुनकर जितने तांत्रिक थे जो दयानंद की बलि चढ़ाना चाहते थे भाग छूटे। दयानंद तो आंखें बंद करके अब सोचे कि अब इसी क्षण मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी और मेरा जीवन इतना ही था। काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं, सोचते हैं कि क्यों हमें मरा क्यों नहीं। आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई नहीं है।
सोचते हैं कि मृत तो आज साक्षात थे, यदि मैं जीवित हो गया हूँ, बच गया हूँ, तो इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा मेरे से कोई महान कार्य कराना चाहते। दयानंद का यही गुण उनको एक साधारण साधु से महर्षि बना देता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया मानवता के कल्याण के लिए किया। वैसे ही एक और घटना आती है, सोमनाथ के मंदिर में भ्रमण के लिए गए होते हैं। एक कोढ़ी था जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, सब दुत्कार रहे थे, भगा रहे थे, उसके शरीर से पीप बह रही थी। दयानंद उसको उठाते हैं, ले जाकर के नहलाते हैं। वो केवल कह रहा था कि अब तो मैं मरने ही जा रहा हूँ, मुझे एक बार कोई सोमनाथ का दर्शन करा दे। उसको तो कोई कैसे दर्शन मंदिर में घुसने देता, क्योंकि चलता था तो उसके शरीर से पीप बहती थी। अब परिणाम सोचिए, दयानंद उसको कंधे पर लादते हैं और उसको ले जाकर दर्शन करा देते हैं। वह कोढ़ी मरते समय कहता है कि स्वामी जी, आप जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, जो आपने ये नहीं देखा कि मेरा भी शरीर गंदा हो जाएगा, दुनिया आपके चरण छूती है और आपने मुझे अपने कंधों पर बैठा कर दर्शन कराया है, मैं सच्चे हृदय से आपके लिए शुभकामना करता हूँ। यह गुण है जो दयानंद को महर्षि दयानंद बना दिया। हम सुंदर साथ आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम रखते हैं हमको अच्छी तरह से मालूम है। शेरपुर आश्रम में घटना घटित हुई, ऐसे ही एक कोढ़ी महात्मा आ गया था। जब वह चलता था तो उसके पैरों से पीप जो है निकलती थी, पूरा फर्श गंदा हो गया था मंदिर का। सब सुंदर साथ ने कहा कि महाराज जी, ये कोढ़ी आ गया है, आप इसको भगा दीजिए। तो महाराज जी तो परमहंसों के भी परमहंस हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भगा देता हूँ। अपना झोला उठाया और जाने लगे। सब ने कहा कि महाराज जी, आप क्यों जा रहे हैं? महाराज जी कहते हैं कि अच्छा भाई, तुम लोग जो है ट्रस्टी हो, व्यवस्था करने वाले हो, मेरे से मिलने के लिए एक महात्मा आया है, तो तुम उसको भगा रहे हो कि कोढ़ी है, तो मैं भी क्यों रहूँ, तुम रखो अपना आश्रम, मैं जा रहा हूँ। सब ने महाराज जी के पैर छुए कि महाराज जी, अब गलती नहीं करेंगे, हम नहीं इनको जाने के लिए कहेंगे। महाराज जी ने उस महात्मा से कहा कि तुम परिक्रमा किया करो, और कुछ दिनों में राज्य की कृपा से उसका कोढ़ रोग ठीक हो गया। तो एक झंडू दत्त का बालक जब अपने हृदय में प्रेम रखता है, मानवता के कल्याण के लिए रखता है, तो वो परमांस राम रतन दास कहलाता है, और सारा समाज उनके चरणों पर नतमस्तक होता है। कहने का से क्या है, यदि आप सबके अंदर एक चेतना को देखेंगे तो आपके हृदय में प्रेम प्रकट होगा, वही प्रेम दिव्य प्रेम में प्रकट होगा, और वही दिव्य प्रेम आपको राज्य से मिलन कराएगा। लेकिन यदि आप जाति के नाम पर, कुल खानदान के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो जो विरोध करते हैं, साथ में अंतवाही को है जो दुख, यदि आप किसी सुंदर साथ से घृणा करते हैं, तो वह घृणा उसके लिए नहीं है, आपके लिए है। आप किसी पर पत्थर फेंकते हैं तो क्या होगा, उसकी चोटें, ये पत्थर मारेंगे आपको, तो उसको जो पीड़ा होगी वह पीड़ा एक दिन आपके लिए भी दुखदायी होगी। इसलिए राज्य ने सुंदर साथ के लिए एक विशेष बात कही है, अब जो घड़ी रहो साथ चरने, होए रही हो तुम रेणु समान, इन जागे का फल यही है को चेतो चतुर सुजान। सबकी चरण धूली बन करके रहना, चरण धूली बनने का तात्पर्य यह नहीं कि केवल अमीर लोगों की देखभाल करना। आप सेवा कर रहे हैं तो भूल जाइए कि कौन है सेवा करने वाले को। जैसे मान लीजिए कि हमारा सुंदर साथ कोई करोड़पति है और झाड़ू लगाने की सेवा कर रहा है, तो यह तो उसकी महानता है। आमतौर पर सुंदर साथ सोचते हैं कि हम तो करोड़पति हैं, हमने 1,00,000 की सेवा दी है, तो हम झाड़ू थोड़े लगा सकते हैं। आपने 1,00,000 की सेवा दी हो चाहे 1 करोड़ की सेवा दी हो, यदि आपको महान बनना है, राज्य का प्रेम पाना है, तो आप धन के अहंकार को भूल जाइए, आप विद्वता के अहंकार को भूल जाइए, आप पद प्रतिष्ठा के अहंकार को भूल जाइए। जब तक आप परम धाम के संबंध से स्वयं की चरण धूलि अपने को मान लेंगे, जो चरण धूलि बनता है वही महान होता है। अब देखते हैं
छोटे बच्चे के सिर पर हाथ रखा जाता है और बड़ों के चरण धोए जाते हैं, चरण छुए जाते हैं। तो जो छोटा बनता है वही महान बनता है, जिसने अपने हृदय में विनम्रता ले लिया, जिसने मानवता की सेवा करने का व्रत ले लिया, जिसने अपने संसार की सारी तृष्णाओं का परित्याग करके प्रेम का मार्ग अपना लिया। तो राज्य कहते हैं कि जो जो साथ में होत है प्रीत, त्यो तो मोही को होत है सुख, जो जो विरोध करत है साथ में अंतवाई को है जो दुख। जो सुंदर साथ में विरोध करता है वो अंत तो गत्वा उसको दुख ही दुख होना है। इसलिए जीवन में क्या करना चाहिए, तीन चीजें याद रखिए जो राज्य ने कही है। तीन चार चीजें यदि हम जीवन में बसा लेते हैं, एक तो याद रखिए कि जब अब जो घड़ी रहो साथ चरने हो रही है तुम रेणु समान, जो जो गरीबी लीजिए साथ में त्यों तो धनी को पाइए मान। दूसरा सूत्र है, एक सूत्र है, सूरत धनी सो बांध के चलिए ले बिरहा रस प्रेम काम। जीवन में राज्य का विरह लीजिए, प्रेम लीजिए, अपनी सुरता को उठते बैठते सोते जागते किससे जोड़िए, राज्य के साथ। तीन चीजें हमारे जीवन को धन धन कर देंगी। हमारे जीवन का एक एक पल है किसमें गुजरे, अब जो साहित्य होते हैं सो पी बिना लगत अगिन, राज्य के बिना कुछ अच्छा ना लगे। और यही भावना तो क्या होती है, हमें विरह की तरफ ले जाती है। राज्य के बिना कुछ अच्छा ना लगे, स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कीजिए कि हमारा जो धन है वो क्या है, पानी के बुलबुले के समान। देखिए यौवन पद और धन, भर्तृहरि ने कहा है, आकाश में जैसे बिजली थोड़ी देर के लिए चमकती है, यौवन का उमंग थोड़े समय के लिए होता है, पद प्रतिष्ठा थोड़े समय के लिए होती है और धन भी थोड़े समय के लिए रहता है। पागल गाय की तरह लक्ष्मी हमेशा भ्रमण करती रहती है। जो कल तक करोड़पति होते हैं सड़क पर आ जाने आने में देर नहीं लगती, जो सड़क का भिखारी होता है उसको भी करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। संसार परिवर्तनशील है, जैसे पागल गाय एक जगह ठहरती नहीं, लक्ष्मी भी कभी एक जगह ठहरती नहीं है। सारा संसार परिवर्तनशील है, इसलिए संसार की नश्वरता को समझकर यौवन पद और धन पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन एक साधारण व्यक्ति इन्हीं पर अभिमान करता है, इसकी प्राप्ति को सबसे बड़ी उपलब्धि समझता है। लेकिन जिन्होंने इसको ठुकरा दिया, सबके अंदर एक चेतना को देखना प्रारंभ किया, करोड़पति आ गया तो उसको भी उसी तरह से स्वागत किया और गरीब कंगाल आ गया तो उसको भी उसी तरह से स्वागत किया। आमतौर पर धार्मिक स्थानों में भी देखा जाता है, कोई धनवान आ जाता है तो जो बड़े बड़े महाराज भी होते हैं उनको बहुत बढ़िया से स्वागत करते हैं, जो गरीब आ जाता है उसको अधूरे मन से प्रसाद भी दिया जाता है। तो यह क्या है, ये भेदभाव की रेखा है। इसलिए धन के आधार पर, रूप के आधार पर, पद प्रतिष्ठा के आधार पर, प्रांत और जाति के आधार पर किसी तरह की भेदभावना नहीं होनी चाहिए। सभी भेदभाव से परे होकर जो अपने हृदय में परम धाम के संबंध से प्रेम करेगा सबसे, वह निश्चित ही महान होगा और राज्य की कृपा हर पल उस पर बरसेगी। इसी को तो कहा है, जो जो गरीबी लीजिए साथ में त्यों तो धनी को पाइए मान। गरीबी का अर्थ क्या है, विनम्रता से सेवा करना। आप किसी के घर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कार्यालय से काम करके शाम को आते हैं, पत्नी आपके सामने जलपान की थाल लाती है, पटक देती है, अब क्या खाएंगे। जो भूख भी रहेगी तो कहेंगे कि नहीं भूख नहीं है, लेकिन वही यदि अच्छे शब्दों से बोल करके कहती है तो आप मात्रा से ज़्यादा खा सकते हैं। जीवन की शोभा है विनम्रता। जितने महापुरुष हुए हैं सभी विनम्र रहे हैं। केवल ऐसा नहीं कि मैं साधु महात्माओं की बात कर रहा हूँ, मैं बुद्ध शंकराचार्य और दयानंद की बात नहीं कर रहा हूँ, शिवाजी को देखिए, राणा प्रताप को देखिए, जितने जो युद्धों में तलवार चलाते हुए जीवन जिनका जीवन बीता है वे भी अपने निकटस्थ लोगों से अतिशय विनम्रता से प्रस्तुत होते थे। और यदि आपको अपना संगठन बनाना है किसी महान लक्ष्य के लिए तो आपको विनम्रता धारण करनी ही पड़ेगी, प्रेम का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। बिना विनम्रता धारण किए, बिना प्रेम का मार्ग अपनाए, बिना समता का मार्ग अपनाए,
न कोई समाज आगे बढ़ सकता है, न संस्था आगे बढ़ सकती है, न परिवार आगे बढ़ सकता है, न सुंदर साथ में जागने का ही मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसलिए रांची ने इस प्रकरण में बहुत कुछ कहा है, एक एक चौपाई में हमारी जीवन का सार उड़ेल दिया है। और इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में महामती जी के शब्दों में एक बहुत ऊंची बात कही जा रही है कि इत खिन का है जो लटका। इस जीवन क्या है? खिन का है, क्षण भर का यह जीवन है। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। जुत के जुत माया में जीत करके चलना है। जीत आपकी कब होगी? जब आप सबकी चरण धूली बन जाएंगे, विनम्रता की मूर्ति बन जाएंगे, सबके अंदर परम धाम की चेतना को देखकर सबसे प्रेम करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो आप जीती हुई बाजी, हारी हुई बाजी जीत लेंगे। यदि आप सबके प्रति प्रेम की भावना भरेंगे तो वही प्रेम आपको निर्विकार बना देगा। प्रेम क्या है? प्रेम धनी को आहुत, माया के सारे हथियार एक तरफ और राज्य का प्रेम एक तरफ। राज्य का प्रेम आते ही आपका हृदय निर्विकार हो जाएगा, जो हिमालय की गुफाओं में बैठकर बड़ी बड़ी साधनाओं से प्राप्त नहीं होता। आपके हृदय में शुद्ध प्रेम आ जाए, शुद्ध सेवा आ जाए, शुद्ध सबके साथ व्यवहार आ जाए, सबके अंदर सबके हृदय में युगल स्वरूप को देखिए, फिर आप किसी का सपने में भी बुरा नहीं सोचेंगे। यदि आप दो चार का गुट बनाकर इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, दूसरों को लड़ाते हैं और खुश होते हैं कि मैंने इनको लड़ा दिया, हमारा गुट ज़्यादा तगड़ा है, तो आप अपने पतन की खाई खोद रहे हैं और इस खाई से कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। इसलिए राज्य ने क्या कहा है? श्री महामत हेत कर कहे साथ को विधविद की करत पुकार। महामत हेत कर कहे साथ को, हेत कहते हैं बहुत प्यार से, महामती जी की आत्मा करें कि हे साथ जी, मैं परम धाम के संबंध से पर अति प्रेम पूर्वक ये बात कह रहा हूँ, बार बार ये पुकार करके कह रहा हूँ कि इस संसार में थोड़ा ही समय का आपको रहना है, इसलिए प्रेम के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, सबके हृदय में एक चेतना के स्वरूप को देखता परम धाम के मूल संबंध से प्रेम का मार्ग अपनाइए, तो मूल स्वरूप भी आपके ऊपर पल पल मेहर बरसाएंगे और मेरे धाम हृदय में उन्हीं मूल स्वरूप का आवेश लीला कर रहा है। मैं यदि आनंदित हूँ तो समझिए आपकी बहुत बड़ी बंदगी हो गई। कलश में क्या कह दिया है? जो अंग सों पे इंद्राव दीता है प्रेमी खेला उरंग। जो महामति पर समर्पित होता है, समझना चाहिए कि वो मुझ अक्षरातीत पर समर्पित होता है। इसलिए यदि सुंदर साथ में 5000 की जमात में जो सुंदर साथ एक दूसरे से प्रेम करेगा, तो महामति जी करें कि जो जो साथ में होते हैं प्रीत, तो मोही को होते हैं सुख। जब ये सुंदर साथ में यदि प्रेम बढ़ता है तो मुझे सुख होता है और ये राज्य की एक बंदगी है। और जो सुंदर साथ में घृणा फैलाता है तो वो अपने लिए विनाश की खाई खोदता है। यदि किरंतन के इस प्रकरण को आज समाज अंगीकार कर लें तो शायद जागनी होने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। केवल प्रेम का मार्ग आ जाए, विनम्रता आ जाए, सबके अंदर एकत्व देखने की प्रवृत्ति हो जाए, तो बाकी क्या रहता है? जीवन का चरम लक्ष्य पूरा होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि सुंदर साथ को ये बातें बहुत ही अच्छी लगनी चाहिए। और यदि समाज यूट्यूब के माध्यम से यह बात जहाँ तक पहुँच रही है, सुंदर साथ देर सवेरे इस तथ्य को ग्रहण कर लेगा, तो हमारा समाज जागने के शीर्ष पर पहुँचेगा, ऐसी मेरी आशा है। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।